हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कौन से कैरेक्टर्स सीएस रैंक के लिए बेस्ट है, बरमुडा रैंक के लिए बेस्ट है, और क्लासिक खेलते हो तो जो भी है वो कौन से कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, प्रो प्लेयर्स कैसे बनते हैं। तो प्रो प्लेयर्स बनने के लिए पहले तो आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, वो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है आप कौन से कैरेक्टर्स यूज़ करते हो। अगर आप अच्छे कैरेक्टर्स यूज़ करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आप प्रो प्लेयर बनने के लिए। तो मैं कौन सा कैरेक्टर्स यूज़ करता होता है, पैसिव में 3 कैरेक्टर्स लिया जा सकता है और एक्टिव 1 होता है, एक्टिव स्किल्स 1 होता है। एक्टिव में अगर देखा जाए तो मैं वुकोंग लिया हूँ, आप स्केलर भी ले सकते हैं। एक्टिव में कौन से कैरेक्टर लिया जा सकता है, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वुकोंग लिया जाए, वुकोंग बेस्ट है एक्चुअली। पहले तो क्रोनो बेस्ट था, अब क्रोनो नहीं, अब क्रोनो में थोड़े बहुत अपडेट के बाद क्रोनो बिगड़ गया है, तो हम वुकोंग लिया जा सकता है। तो पैसिव में कौन सा लिया जा सकता है, देखिए ये पैसिव होता है, ये एक्टिव होता है। पैसिव में अब अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप हैकर्स आई लिया जाए। ये क्या करता है, तो टैग एनिमीज शॉर्ट फॉर 5 सेकेंड्स, इंफॉर्मेशन विल बी शेयर टू यू विद योर टीममेट्स। इसका मतलब है आप किसी को, एनिमी को फायर करते हैं तो आप 5 सेकंड तक उसका वो कहीं जाता है वो तुम्हें पता लगता है, और हमारे टीममेट्स के लिए भी पता चलता है। दूसरा कैरेक्टर लिया जा सकता है, वो बजर बीटर है, रिकवर्स 30 HP आफ्टर सर्वाइविंग ए कॉम्बैट। किसी एनिमी आपके ऊपर फायर करता है तो आप उससे बच के जाते हो तो आपकी 30 HP बढ़ता है, 30 HP इंक्रीज होता है। मैं ये लेता हूँ, आप इसके बदले मैगजीन भी ले सकते हैं, वो क्या करते हैं आपके हीलिंग मेडिकिट यूसेज को फास्ट करता है, मेडिकिट फास्टर करता है, ईटिंग मशरूम्स एंड मेडिकिट्स। वो सीएस रैंक में बेस्ट होता है मैगजीन भी। और दूसरा वाला हयाटो, इसका यूसेज बहुत सारे बंदे को नहीं पता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हयाटो बेस्ट है क्लोज रेंज के फाइट में, हयाटो इज़ बेस्ट। अगर आपके पास गन स्किन नहीं है, कोई गन स्किन नहीं है तो आप हयाटो ले सकते हैं। ये क्या करता है, तो आप किसी एनिमी आपके ऊपर फायर करता है, किसी एनिमी आपके ऊपर फायर करने के बाद आप उसको मारते हो तो आप 25% ज़्यादा मारते हो, इसलिए हर गन का ही अलग अलग होता है। तो आप शॉटगन से मारते हो तो शॉटगन के 2 बुलेट में बंदे मरते ही मरते हैं। अगर वो वेस्ट लगाए हो, पहला फायर एनिमी का होना चाहिए, पहला फायर एनिमी किया उसके बाद आप फायर किए तो वो बंदा मरेगा ही मरेगा, अगर आपके पास हयाटो हो तो। ये 3 कैरेक्टर्स से आपको लेना चाहिए 2 गोली में, वो एनिमी नहीं मरता है तो आप हयाटो लेके मारते हो तो 2 गोली में वो 100% मरेगा ही मरेगा। सिर्फ यही है कि आप एनिमी फायर करने के बाद आप फायर करना है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे रख देना।